हेलो व्यूअर्स, मैं भूपेंद्र अहलूवालिया, स्वागत है आपका मोरपिक स्टूडियो के इस लर्निंग चैनल पर। कैरेक्टर बिल्डिंग के इस दूसरे भाग में आज हम कैरेक्टर की फिगर कंप्लीट करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नई लेयर ठीक रेफरेंस इमेज के ऊपर बनाएं, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एन एक साथ दबाएं, पेन टूल को एक्टिवेट करने के लिए पी दबाएं और पाथ बनाना शुरू करें। इस तरह से हाफ बॉडी की आउटलाइन बना लें। पाथ को आउटलाइन देने के लिए राइट क्लिक करें, स्ट्रोक पाथ चुनें और ओके करें। बॉडी आउटलाइन लेयर की डुप्लीकेट कॉपी लेकर कंट्रोल टी दबाएं और फिर राइट क्लिक करें और मेनू में फ्लिप हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट करें और इसकी पोजीशन सेट करें जिस तरह मैंने इसे पोजीशन किया है। कंट्रोल ई दबाकर दोनों लेयर्स को मर्ज करें और इस तरह सिलेक्शन लेकर इन लाइंस को डिलीट कर दें। जैसा कि आप देख सकते हैं, दोनों टांगों के बीच लाइन का गैप छूट गया है। इसे आप ब्रश टूल की मदद से फिल कर लें। फिर से कंट्रोल टी दबाएं और फिगर आउटलाइन को ट्रांसफॉर्म टूल की मदद से इस तरह रेफरेंस फिगर से मैच करें। गर्दन पर दिख रही लाइंस को इरेजर टूल से रिमूव कर दें और ब्रश टूल से गैप फिल कर दें। अब आउटलाइन के अंदर का सिलेक्शन लें, नई लेयर लें और इसे आउटलाइन के नीचे रखें और फिर आर्ट बैक स्पेस दबाकर कलर फिल करें। कपड़ों के लिए हम इस रेफरेंस इमेज का इस्तेमाल करेंगे। आउटलाइन बनाने से पहले एक नई लेयर लेना ना भूलें। जब आउटलाइन बन जाए तब इस लेयर को ड्रैग करके नीचे बॉडी वाली लेयर तक ले आएं। करेक्टर के अनुसार इसकी शेप और पोजीशन इस तरह सेट करें। फिर से रेफरेंस इमेज को ऑन करके वहां से पेंट का डार्क कलर सिलेक्ट करें। एक नई लेयर लें। पाथ को सिलेक्शन में बदलने के लिए कंट्रोल एंटर दबाएं और फिर कलर फिल करने के लिए आर्ट बैक स्पेस एक साथ दबाएं। प्रेस कंट्रोल टी और ट्रांसफॉर्म टूल से पेंट की शेप इस तरह एडजस्ट करें। अब आउटलाइन और फ्लैट कलर वाली लेयर को कंट्रोल ई दबाकर मर्ज कर लें। आप वार्प टूल की सहायता भी ले सकते हैं। अब पेंट वाली लेयर की डुप्लीकेट लेयर लें और इसे भी एडजस्ट करें। एडजस्ट करने के बाद लेयर्स को मर्ज कर दें। इसके कॉर्नर्स को ब्रश की मदद से थोड़ा ठीक कर लें ताकि अंदर की बॉडी दिखाई न दे। अब रेफरेंस इमेज को वापस ऑन कर लें। नई लेयर लेकर इसके टॉप का पेन टूल की मदद से पाथ बना लें। मैंने इसे पहले से ही बना रखा है, आप इसे खुद से बनाने की कोशिश करें। पाथ बनाकर कलर भरने का तरीका मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। अब इसकी शेप को ऊपर की बॉडी से मैच करते हुए सेट करें। इस लेयर को ड्रैग करके पेंट वाली लेयर के ठीक नीचे ले आएं। आंखों के अंदर वाइट कलर देने के लिए आंखों के अंदर के एरिया को सिलेक्ट करें और इसे थोड़ा सा एक्सपेंड कर लें और नीचे एक नई लेयर बनाएं, फिर वाइट कलर भरें। इनकी लेयर्स को लेफ्ट आई सॉकेट एंड राइट आई सॉकेट का नाम दें।
अब बॉडी लेयर को छुपा दें क्योंकि अब हम जूतों की ड्राइंग बनाएंगे। स्टेप्स को फॉलो करते रहिए। अब हमारा कैरेक्टर लगभग तैयार हो चुका है। अगले भाग में हम इस कैरेक्टर को कलर करके इसे रियलिस्टिक लुक देने की कोशिश करेंगे। कैरेक्टर की उंगलियां अभी अधूरी हैं, इन्हें हम कलरिंग के दौरान कंप्लीट करेंगे। कमेंट बॉक्स में अपने राय और विचार अवश्य साझा करें। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। मिलता हूँ जल्दी अगले वीडियो में। तब तक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।